हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो अगर आपके फ़ोन या आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस प्रकार का कोई मैसेज आया है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, वरना आपका जो फॉर्म है, आपने जो CTT का फॉर्म फिल किया है, वो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, उसकी वजह से आपका पेपर छूट भी सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को अपने मोबाइल या अपनी ईमेल आईडी पर चेक करना है कि आपके फ़ोन या आपकी ईमेल आईडी पर कुछ इस प्रकार का कोई मैसेज तो नहीं आया है जो हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कुछ इस टाइप का कोई मैसेज तो नहीं आया आपके पास में। अगर आया है तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको CTET की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है अपने फ़ोन या अपने PC पर। आप यहाँ पे देख सकते हैं CTET की ऑफिशियल वेबसाइट को यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। जैसे आपकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर ओपन हो जाती है, ओपन हो जाने के बाद में आपको करना क्या है, आपको यहाँ पर अपनी एप्लीकेशन नंबर, जो आपको एप्लीकेशन नंबर मिला था एप्लीकेशन फॉर्म पर लिखा होगा, उसको यहाँ पर फिल कर देना है, और जो आपका पासवर्ड है उसको यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद में सिक्योरिटी पिन यहाँ पे डालनी है और साइन इन पे क्लिक करना है। साइन इन पे जैसे आप क्लिक करेंगे, थोड़ा नीचे जाने के बाद में आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ये देख लीजिए लिखा हुआ है रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी, आपको इस पर क्लिक कर देना है रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी। जैसे आप थोड़ा नीचे जाएंगे यहाँ पर लिखा होगा फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसी फाउंड इन योर अपलोडेड इमेज, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर फोटोग्राफी जो है रिजेक्ट की गई है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फोटोग्राफी इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये है जो हमारी फ़ोटो हमने अपलोड करी थी वो CTET की गाइडलाइंस के हिसाब से सही नहीं है, इसमें जो है फ़ोटो में कान वगैरह सही से नहीं दिख रहे थे, इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ पे अगर आपके साइन में कोई दिक्कत होगी तो यहाँ पे लिखा होगा सिग्नेचर इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन, या फिर साइन इज नॉट एज पर द स्पेसिफिकेशन। तो यहाँ पे आप लोगों को देख लेना है कि आपके फ़ोटो में दिक्कत है कि आपके साइन में दिक्कत है। अगर आपकी फ़ोटो में दिक्कत है तो आप लोगों को करना क्या है, सबसे पहले आपको जाना है अपने नज़दीकी स्टूडियो में जहाँ पे फ़ोटो वगैरह खींची जाती हैं, जहाँ पे फ़ोटो वगैरह बनाई जाती हैं, वहाँ पे जाना है। वहाँ पे जाने के बाद में आपको अपनी एक साफ़ सुथरी फ़ोटो खिंचानी है। साफ़ सुथरी का मतलब ये है कि आपके फ़ोटो में आपके कान वगैरह विजुअल दिखने चाहिए, आपके बाल लंबे लंबे हैं तो आप अपने बालों को कान से मत छिपाइएगा, आपके कान साफ साफ दिखने चाहिए। अगर आपके कान छिपे हुए होंगे तो आपकी फ़ोटो फिर से रिजेक्ट हो जाएगी। अगर आपके साइन में कोई प्रॉब्लम है तो आप लोगों को करना क्या है, आपको एक सिंपल सा कोरा कागज लेना है बिल्कुल वाइट कलर का, उसमें ब्लैक या ब्लू पेन से साफ सुथरे साइन करने हैं। आपके साइन बिल्कुल भी ब्लर नहीं होने चाहिए और भद्दे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए। उसके बाद में इतना सब कुछ करने के बाद में आपको फिर से CTET की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करना है। ओपन करने के बाद में फिर से वही प्रोसीजर अपनाना है, आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद में लॉगिन कर लेना है। जैसे आप लॉगिन करके आएंगे यहाँ पर लिखा होगा रिमूव इमेज डिस्क्रिपेंसी, आपको फिर से इस पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने नया पेज ओपन होगा, फोटो के नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट फोटोग्राफी, आपको एडिट फोटोग्राफी पे यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे चूज फाइल का ऑप्शन लिखा जाएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है, जो आप फोटो बनवा के लाए हैं वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करके अपलोड कर देनी है, जो आपने फोटो खिंचवाई थी उसको यहाँ पे अपलोड कर देना है और प्रीव्यू पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड हो चुकी है, यहाँ पे क्लिक हियर पे क्लिक कर देना है और अपलोड फोटोग्राफी पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब आपकी फ़ोटो जो है सक्सेसफुली यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। आप इधर साइड में देख सकते हैं कि आपकी न्यू फोटो जो है यहाँ पे अपलोड हो चुकी है, लिखा हुआ है न्यू स्कैन फोटो अपलोडेड। तो वहाँ पर आप लोगों को चेक करते रहना है, आपका स्टेटस भी यहाँ पर दिखाई देगा कि आपका स्टेटस जो है वो आपकी जो फ़ोटो है वह सही हुई है या नहीं सही हुई है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, आप लोगों को फ़ोटो में आपके कान वगैरह बिल्कुल सही से दिखने चाहिए और आपकी फ़ोटो बिल्कुल भी ब्लर नहीं होनी चाहिए, चाहे वो आपके साइन हो चाहे वो आपकी फ़ोटो हो। अगर आपके साइन या फ़ोटो ब्लर होगी तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, हमारे पास CTET की परीक्षा के लिए बनाए गए बेहतरीन नोट्स अवेलेबल हैं। जिसको भी ये नोट्स चाहिए वो लोग स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर प्ले स्टोर पर जाकर हमारे मास्टर शेड्डा ऐप को डाउनलोड करके इन नोट्स को परचेस कर सकता है। नोट्स कैसे रहने वाले हैं आप लोगों को एक बार इसका प्रीव्यू दिखा देते हैं। पहला है हमारा EVS का, सबसे ऊपर कौन सा है ये हमारे पास है EVS का, इसको दिखाते हैं पहले आप लोगों को। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि आपका जो पेपर फर्स्ट होता है उसमें NCERT के काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो हमारा जो EVS का नोट्स है ये पूरा NCERT का निचोड़ रहने वाला है। नेक्स्ट हमारा है हिंदी का, तो हिंदी का जो हमारा नोट्स है या पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए रहने वाला है। यह भी हमारा जो है काफ़ी बेहतरीन नोट्स बनाया गया है, आप लोग इसको भी परचेस कर सकते हैं।
ये हमारा हो गया हिंदी का। इसमें सारे मेन मेन पॉइंट्स दिए गए हैं, आप लोग इनको बहुत आसानी से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा है CDP पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों के लिए, ये भी है, इसको भी आप लोग मात्र 150 रुपये में परचेस कर सकते हैं। उसके बाद में SST का नोट्स है, तो जिसके पास पेपर सेकेंड में SST रहने वाली है या फिर सोशल साइंस रहने वाली है, वो लोग ये वाला नोट्स परचेस कर सकते हैं। अगर आप लोग CTET की परीक्षा वाकई में एक बार पास करना चाहते हैं तो आप लोग इनको परचेस जरूर करिए।